क्या आप जानते हैं कि कंगना रनौत की तेजस बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का असर दिखा रही है, या फिर क्या आपको खबर है कि विक्रांत मेसी की 12th फेल बॉक्स ऑफिस पर चल पा रही है या फिर नहीं, या फिर तेजस पर उसका कैसा असर पड़ा है। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरें हमारे शो बॉलीवुड बुलेटिन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें कुछ इस प्रकार है। मामी फिल्म फेस्टिवल में नेहा धूपिया ने अपने ससुर बिशान सिंह बेदी को दी श्रद्धांजलि। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी के कई मशहूर कलाकारों ने शिरकत की। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी मामी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रही। बता दें कि इस दौरान वो अपने ससुर पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी को याद करती हुई नजर आई। एक्ट्रेस ने अपनी बांह पर एक काला बैंड लगाकर अपने ससुर को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि स्पोर्ट्स की दुनिया में काले कलर का बैंड पहनकर खिलाड़ियों के निधन पर उनके टीममेट्स उन्हें इस तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। सोशल मीडिया यूजर ने की UT69 को बैन करने की मांग, राज कुंद्रा ने किया ऐसे रिएक्ट। बिजनेसमैन व शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। राज फिल्म UT69 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर वे इन दिनों खबरों में छाए हुए हैं। फिल्म में राज के जेल में कटे दिनों की कहानी दिखाई जाएगी। राज फिल्म का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठी है। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट में लिखा, जिस तरह ये शख्स औरतों की बेइज्जती करता है, इसकी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, इसकी फिल्म को बॉयकॉट करें। इस ट्वीट के बाद राज भी चुप नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट में लिखा, प्लीज आप एक ही महिला का नाम बताएं जो आपके इस दावे का सपोर्ट करती हो। पत्थर फेंकना आसान है, लेकिन प्लीज सबूत के साथ बयान दें। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। नफरत सिर्फ मीडिया ने पैदा की है। सिंगम अगेन में हुई बॉलीवुड के इस सुपरस्टार की एंट्री। रोहित शेट्टी जल्द ही अपनी सबसे मशहूर फ्रेंचाइजी सिंगम के अगले पार्ट के साथ धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। जब से सिंगम अगेन की घोषणा हुई है, फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं अब दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को रिलायंस एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बंकर वेन ने दीवार तोड़कर एंट्री ली है, तो वहीं दूसरी फोटो में फिल्म के मेकर रोहित शेट्टी इस बंकर वेन को हाथ दिखाकर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। वहीं इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि कार्य अभी प्रगति पर है। वहीं किसी एक यूजर ने इन तस्वीरों को रीशेयर करते हुए बताया कि ये फिल्म में अजय देवगन का एंट्री सीन होने वाला है। खैर, वो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऐसा ही होता है या फिर नहीं। विक्रांत मैसी की फिल्म ने कंगना रनौत की तेजस को दूसरे दिन चटाई धूल। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें एक लड़के के IPS ऑफिसर बनने की कहानी को दिखाया गया है। ये कहानी लोगों को दिल छू रही है, ये आपको इमोशनल भी कर देती है, इसी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 1.75 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं 12th फेल ने पहले दिन 1.25 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 2.75 करोड़ हो गया है। ये कलेक्शन संडे को और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जाहिर सी बात है। बॉक्स ऑफिस पर पिट गई कंगना रनौत की तेजस। कंगना रनौत की तेजस के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म का दमदार प्रमोशन भी हुआ था, लेकिन इसे लेकर ज्यादा बज नहीं रहा था। वहीं अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है, तो दर्शकों ने इसे जरा भी भाव नहीं दिया है। तेजस ने अपनी रिलीज के पहले दिन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं एक अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तेजस रिलीज के दूसरे दिन 1.50 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं, ऑफिशियल नंबर्स आने के बाद दिन में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। खैर, ये थी आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें। आप भी इन पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।